मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया। बढ़िया। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। कोई डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो आप लोग। गुड मॉर्निंग गौरीश भाई। गुड मॉर्निंग। भाई, मैंने सप्लाई डिमांड। हेलो हाँ बताओ बताओ। भाई, मैंने सप्लाई डिमांड मार्क करने के लिए आपसे बोला था। हाँ, आपने व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कुछ किया था शायद। मैंने कहा था सेशन में बताऊंगा। जी एक मिनट, मेरे को व्हाट्सएप में जी जी मैसेज ही देखने दो एक बार। आपने पहले मुझे बोला था भाई, रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड में जोन कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, देखो, रेंज क्रिएटेड सप्लाई या रेंज जी क्रिएटेड डिमांड जो होता है वो हमारा होता है ऑर्डर फ्लो। जस्ट एक नाम है जिससे हम रेंज क्रिएटेड सप्लाई या रेंज क्रिएटेड डिमांड कहते हैं। सबसे पहली बात आती है रेंज क्या होता है। ठीक है, रेंज मतलब एक ऐसा लेवल जहाँ पे प्राइस मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है, वो एक रेंज फॉर्म हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस मूवमेंट कर रहा है तो एक रेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट कम होगा। ठीक है, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, इसको टिपिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये होते हैं रेंज। ठीक है, तो इसमें इसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो, मतलब ऑर्डर फ्लो कहते हैं। और इसके अंदर मार्क होता है ऑर्डर ब्लॉक, मतलब रेंज क्रिएटेड सप्लाई या रेंज क्रिएटेड डिमांड के अंदर होता है फॉर्म करते हैं हम पिवट क्रिएटेड डिमांड या पिवट क्रिएटेड सप्लाई। ठीक है, अब इसमें अपने कायमर से जोन कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, तो जोन मार्क करने का तरीका सिंपल है, इसको मैं बताता हूँ आपको अभी। ठीक है, अभी आपका एक और क्वेश्चन था, वो देख लेता हूँ भाई। वैलिड सप्लाई डिमांड फाइंड करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे पता लग सकता है वैलिड है या नहीं। ठीक है, दोनों डाउट हम देख लेते हैं। पहले हम शुरू करते हैं रेंज क्रिएटेड डिमांड या रेंज क्रिएटेड सप्लाई के अंदर कैसे हम जोन फॉर्म कर सकते हैं। फॉरेक्स में बताऊँ, इंडियन मार्केट से बताऊँ, ये आप बोल सकते हो। जिस चार्ट में बोलोगे उसमें बता दूंगा मैं। फॉरेक्स में भाई। ठीक है, तो फॉरेक्स के चार्ट लेके चलते हैं। टाइम फ्रेम थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, 2 आवर लेकर लेते हैं। ठीक है, ये फॉरेक्स का चार्ट रहा। यूरो यूएसडी ही देख लें या कोई भी देख लें। ओके, ठीक है। एक तरीके से अगर प्रॉपरली देखा जाए तो ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, लेकिन ये बड़ी रेंज है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि रेंज क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, मैं उसको बता रहा हूँ। गोल्ड क्या देखे कुछ इसमें है क्या। हाँ, गोल्ड में भी अभी एक तरीके से रेंज पे ही है प्राइस। ठीक है, AUD कैड बहुत बढ़िया है, इसमें प्राइस एक्शन बन रहा है और बहुत अच्छी इसमें ट्रेड्स भी मिल रही हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा इसका, ध्यान से देखना क्या होता है। 2 आवर्ली के अगर हम चार्ट को लेके चले तो आपको यहाँ पर साफ देखने को मिलेगा कि ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एक ट्रेंड चल रहा है, एक हायर हाइस हायर लोस बन रहे हैं, इस तरह का कुछ ट्रेंड चल रहा है। जोन कहीं पर भी मार्क नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर भी आपको मन करा कैंडल दिख गई, ठीक है, वहाँ जोन कभी मार्क नहीं होता है। जोन हमेशा ट्राई किया जाता है कि ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्क करने का। ऑर्डर फ्लो कैसे बनेगा, अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ऑर्डर फ्लो कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कैंडल्स, दो से ज़्यादा कैंडल्स का जब एरिया बनता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लोस बहुत ट्रेडर्स आपने देखे जो ऑर्डर फ्लो से भी ट्रेड कर जाते हैं। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड उसमें फेवरेबल नहीं रहता है, बट ऑर्डर फ्लो से भी ट्रेड बनते हैं। तो इस तरीके से ये एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ये एक ऑर्डर फ्लो है, ये एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ये एक ऑर्डर फ्लो है, ये सारे ऑर्डर फ्लोज है, ये सप्लाई बना है एक तरीके से। ठीक है, ये सप्लाई बना है, ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक नहीं आया कोई प्रॉपर, इतना कुछ फॉर्म नहीं हुआ, ये एक ऑर्डर फ्लो बना है। ठीक है, अब जितने भी मैंने ऑर्डर फ्लोज मार्क करे हैं उतने में ही हम कोई ट्राई करेंगे कि हमको एक अनमिटिगेटेड इम्बेलेंस के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिक्विडिटी गैप या लिक्विडिटी फ्री जोन, ठीक है, ये मिलने चाहिए। ऑर्डर फ्लो के अंदर मिले ज़्यादा बेटर है। अगर रनिंग में मिल जाए, रनिंग में जैसे यहाँ पर कोई जोन मिल गया, यहाँ पर कोई जोन मिल गया, इस एरिया पे मिल गया या इस एरिया पे मिल गया, तो उतने प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। रनिंग पे नहीं होना जोन चाहिए, जोन एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो पे होना चाहिए। ठीक है, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि ऑर्डर फ्लो की कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है और आप ट्रेड करने में लगे हो, इसमें आपका एसएल होने की चांसेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इस चार्ट को पूरा इरेज करता हूँ, को समझाता हूँ किस तरीके से जोन मार्क होते हैं। सबसे पहले ऑर्डर फ्लो बन रहा था, ये देखो ऐसा कुछ ऑर्डर फ्लो बना था। ठीक है, फिर ऑर्डर फ्लो बना इस टाइप का कुछ बना, ये ओके, और उसके बाद एक सप्लाई ऑर्डर फ्लो बना यहाँ पे, ये, और एक जोन मेरे को ऑर्डर फ्लो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो अभी नया रिसेंट में फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऑर्डर फ्लोज मुझे दिख रहे हैं, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं आप इनको ध्यान से समझना। ठीक है, ऑर्डर फ्लो जैसे कि ये है, ये एक ऑर्डर फ्लो है जिसके अंदर मेरे को एक डिमांड मार्क करना है, मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, सिंगल कैंडल, मतलब सिंगल एक या दो कैंडल भी आप ले सकते हो, इनसे छोटा सा एक ऑर्डर फ्लो का पार्ट होगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है,
उसको ऐसे मार्क करते हैं। सबसे पहले आप ये बस एक नॉर्मल एक तरीके से देखने का ट्राई करो इसमें, कि आपको कोई ऐसी कैंडल दिख रही है जिसके वहाँ पर इम्बैलेंस है। आपको कुछ नहीं देखना भाई, कि हर कैंडल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इम्बैलेंस दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये एरिया पे, एक मिनट, ये एरिया पे मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं इम्बैलेंस नहीं है, कहीं इम्बैलेंस नहीं है, एक यहाँ पर इम्बैलेंस दिख रहा है ये एरिया पे, एक यहाँ पर इम्बैलेंस दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा, एक यहाँ पर दिख रहा है। इम्बैलेंस देखने का ट्राई करो। अगर इम्बैलेंस नहीं है तो जोन मार्क करने की जरूरत नहीं है, इतना ईजी है। अब मेरे को 5 स्पॉट्स ऐसे दिख गए हैं जहाँ पर मुझे इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मैं जोन मार्क कर सकता हूँ, ठीक है, इम्बैलेंस, क्योंकि इम्बैलेंस दिखाता है इनएफिशिएंसी ऑफ प्राइस, और प्राइस में इनएफिशिएंसी होगी तभी वहाँ पे से जो जोन बनाए हमारा वो वर्क करेगा। प्राइस में इनएफिशिएंसी नहीं है मतलब यहाँ पर आपने कुछ मार्क कर दिया तो ये चीज एरिया वर्क नहीं करेगा आपका। प्राइस में इनएफिशिएंसी होनी ज़रूरी है तभी वो वर्क करेगा, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं कि मेरे को देखो इम्बैलेंस का पता लग गया, यहाँ यहाँ पर इम्बैलेंस है, एक इम्बैलेंस यहाँ दिखा है, एक मेरे को थोड़ा सा इम्बैलेंस यहाँ दिखा है, अनमिटिगेटेड हर छोटा सा हो बड़ा सा हो डिपेंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इम्बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो छोटा इम्बैलेंस भी होना है होगा तो आपको मार्क करना है, इम्बैलेंस फिल नहीं होना चाहिए। एक हो छोटा सा यहाँ पर इम्बैलेंस है, छोटा सा यहाँ पर, यहाँ पर, और इस एरिया पर कहीं पर नहीं है। देखो पूरा एरिया देख लो, यहाँ पर कोई इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं है तो हमको मार्क ही करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इस एरिया को, छोड़ दो, ये ऑर्डर फ्लो फेल, यहाँ हम जोन मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कोई इम्बैलेंस है नहीं, प्राइस में इनएफिशिएंसी थी नहीं तो मार्क करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब एक एरिया आता है ये वाला, यहाँ पर कुछ मार्क हो सकता है क्या? एक मुझे ग्रैब कैंडल दिख रही है, ये वाली, ये मेरे को एक ग्रैब कैंडल दिख रहा है जो कि एक अच्छा वर्क कर सकती है। अब बात आती है ये ग्रैब कैंडल वर्क करेगी या नहीं करेगी, इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। एक्सट्रीम, ठीक है, ये एक्सट्रीम है क्योंकि इस ऑर्डर फ्लो में जो असली मूव की तैयारी हुई है या ये प्रीवियस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है वो इसी कैंडल ने किया है, इसी एरिया ने किया है, इससे नीचे कहीं इम्बैलेंस नहीं था। प्राइस हाई लोज़ बाइसल करने में लगा था, यहाँ पर आया, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करी, स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाने की कोशिश भी करी थी, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करी, स्ट्रॉन्ग अपमूव के साथ प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एक अच्छा इम्बैलेंस पेंडिंग है, अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब पेंडिंग है, अच्छा एक मैं कह सकता हूँ कि वो क्या कहते हैं उसको, लिक्विडिटी ग्रैब पेंडिंग है, इम्बैलेंस पेंडिंग है, और अच्छा एक एक्सट्रीम एरिया है। तो ये एक एरिया ऐसा है जहाँ से वर्क कर सकता है प्राइस, ठीक है, ठीक है। एक ये एरिया मेरे को मिल गया, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, और एक मिनट इसको मार्क कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्राइस मान लो, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पर कहीं चल रही है, यहाँ पर ये एरिया कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये सारा फील्ड एरिया, यहाँ पर प्राइस चल रही है, यहाँ से सीधे नीचे आ जाती है, यस, तो ये वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को इंड्यूसमेंट टाइप भी दिख रहा है। अगर बाय चांस मेरा लिक्विडिटी ग्रैब फेल होता है तो इंड्यूसमेंट भी एक तरीके से कंफर्मेशन है जो कि मेरे जोन को मिल रही है, ठीक है, तो ये वर्क करेगा। बट अगर प्राइस यहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है, तो इसके नीचे भी ऊपर ही मेरे को अगर अच्छे जोन्स मिल रहे हैं, प्राइस में बुलिशनेस दिख रही है, तो मैं ऊपर के जोन्स ही ट्राई कर लूँगा, नीचे तक, इतने नीचे तक वेट नहीं करूँगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या जोन्स मिल रहे हैं। एक जोन मुझे ये मिला, अब मुझे एक जोन मिल रहा है यहाँ पर जस्ट एज बिलो इम्बैलेंस, एक जोन मिल रहा है, सारे इम्बैलेंस जोन्स मार्क कर रहा हूँ, सबको बाद में आपको स्टडी करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक मिल रहा है यहाँ पर, ये सारे के सारे मुझे इम्बैलेंस वाले डिमांड मिल रहे हैं। अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब कौन सा जोन वर्क करेगा, कौन सा नहीं, किस तरीके से मैं मार्क करता हूँ, ये आपको अभी अच्छे से पता लगने वाला है। ऑर्डर फ्लो था परफेक्ट ऑर्डर फ्लो, एक तरीके से ट्रेंड एंड लिक्विडिटी, ठीक है, ट्रेंड एंड लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, कोई काम की नहीं है। अब प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी देखते हैं, येस प्रॉपरली ग्रैब्ड है तो अच्छा है। इम्बैलेंस पेंडिंग, येस प्रॉपरली इम्बैलेंस भी पेंडिंग है, ये देखो यहाँ पर इम्बैलेंस पेंडिंग है, ठीक है। इंड्यूसमेंट, अगर बाई चांस किसी परसेंट से आपका जोन फेल होने वाला है, लिक्विडिटी ग्रैप आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या इंड्यूसमेंट है जोन के लिए? यस, परफेक्टली इंड्यूसमेंट है ये वाला एरिया, ये जस्ट एक लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है, लिक्विडिटी एरिया है, ओके। तो अब ये जो जोन है जो मैंने आपको दिया भी था, जहाँ से मैंने ट्रेड किया भी है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, इस जोन में कोई भी कमी नहीं है। प्राइस यहाँ पर रन कर रहा है, इंड्यूसमेंट बन रहा है, लिक्विडिटी ग्रैप हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, इम्बैलेंस है, कोई कमी नहीं है भाई, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मैं कह सकूँ कि ये जोन बेकार है। अब बात आती है भाई जो इम्बैलेंस तो इस जोन में भी था, आपने ये क्यों नहीं ट्रेड किया, ठीक है, इम्बैलेंस यहाँ पे भी है, बट एक चीज़ आपको देखोगे तो प्रॉपर आपको कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं दिखेगा,
एक डाउट आपको यहाँ आएगा कि प्रॉपर कोई लिक्विडिटी ग्रैब आपको नहीं दिखेगा। दूसरा एक डाउट आता है कि भाई ठीक है लिक्विडिटी ग्रैब नहीं दिख रहा है, नहीं है इंपॉर्टेंट, छोड़ दिया, बट क्या इंड्यूसमेंट फॉर्म हुआ? नहीं, इंड्यूसमेंट भी फॉर्म नहीं हुआ। अगर ये वाला हाई ब्रेक हो जाता, ये वाला प्राइस ऐसा कुछ होता, प्राइस पुल बैक दे रहा है, ये हाई ब्रेक कर रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है, तो ये वर्क करने की चांसेस की बहुत ज़्यादा होती। पर अभी इंड्यूसमेंट भी फॉर्म नहीं हुआ है, लिक्विडिटी ये ऑलरेडी ये जो एरिया है वो इंड्यूसमेंट है इस वाले के लिए, तो ये तो बिल्कुल ट्रेड करना बनता ही नहीं है। ये तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप खुद एसएल दे रहे हो, ठीक है। इंड्यूसमेंट ग्रैब हो रहा है, देखो कितना प्रॉपरली, अगर लिक्विडिटी कोई ग्रैब होती है ना तो ऐसा मूव आता है, एक विग ग्रैब करने का स्ट्रॉन्ग अप मूव, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रॉपरली देखने को मिला, एंट्री ट्रिगर्ड, उसके बाद अप मूव आ रहा है। अब नया जोन फॉर्म हो गया, नया जोन फॉर्म हो गया, अब वो किस तरीके से हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले हमको इम्बैलेंस देखो, एक इम्बैलेंस यहाँ पे, पर कोई प्रॉपर सा जोन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जितना प्रॉपर जोन मुझे ये दिख रहा है ना, प्रॉपरली एक तरीके से मैं कहूँ तो प्रॉपर जो कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, इम्बैलेंस, इंड्यूसमेंट, जो भी हो सकता है, सब इस जोन पर ट्रेड कर लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 100% ट्रेड करने वाला हूँ जोन को, अगर प्राइस यहाँ आता है तो। बहुत अच्छी इनएफिशिएंसी दिखी है इस वाले जोन के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखा है, तो बहुत चांसेस है कि ये वाला जोन हमारा वर्क करेगा। तो इस तरीके से ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करता रहता हूँ, और कभी भी ध्यान देना जो भी मेरे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो हमेशा ऑर्डर फ्लो के अंदर होते हैं। ये देखो ऑर्डर फ्लो के अंदर कोई भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ भी ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर फ्लो होगा, क्योंकि अगर आपको जोन मार्क करना है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रेंज होनी चाहिए। आप ऑर्डर फ्लो मत बोलो, चलो मत बोलो ऑर्डर फ्लो, मत बोलो रेंज सीड सप्लाई डिमांड, बस इतना ध्यान रखो कहीं पर अगर आपका जोन फॉर्म हो रहा है तो वो सिंगल कैंडल का नहीं होना चाहिए, वहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट रहना चाहिए, उस एरिया पे थोड़ा सा मूवमेंट रहना चाहिए, तभी मज़ा आएगा जोन में, ठीक है। तो ये था आपके डाउट का आंसर, सूरज भाई आपके डाउट का, और कोई डाउट है सूरज भाई? डाउट क्लियर है? नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार जी। जी भाई, ओके भाई, ओके, कोई और होता है तो पूछ लेना। हेलो। हाँ भाई, ये भाई मैंने एक चार्ट आपको शेयर किया था XAU USD का, वो एक बार मेरे को उसमें भेज दो टेलीग्राम पे ना, ये ग्रुप में भेज देना, मेंबर्स वाला जो ग्रुप है उस पे भेज दो, मैं देख लूंगा, ठीक है। गौरव भाई आप बोलो। यस यस, गुड मॉर्निंग। मेरा एक दो तीन डाउट्स है। एक जो है, मैं आई नो बहुत दिन से पूछना चाहता था, दैट इज अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना, ये मार्क करने के लिए मैं देखता हूँ कि आप मार्क कर दो, लेकिन उसके रूल्स क्या है एज पर यू? आप क्या रूल्स फॉलो करते हो, क्राइटेरिया फॉलो करते हो कि यू नो दिस शुड बी द स्टैंडर्ड्स, कि ये हुआ तो ये मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करता हूँ या इसको मैं नहीं करता हूँ? तो ये एक डाउट हो गया। सेकेंड जो है, जैसे ट्रेड कंटिन्यूएशन का मैंने आपको क्वेश्चन आई थिंक कल पूछा था, कि अगर वो आप यू नो अभी लेट से कोई भी आपका ट्रेड हुआ है डेली पे या फोर आवरली पे, एंड वही आप यू नो वापस से लेना चाहते हो या कंटिन्यू करना चाहते हो लोअर टाइम फ्रेम पे, तो वो आपका क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप यू नो उसको ये करते हो? एंड थर्डली डेली पे आप जोन्स कैसे मानते हो? इतने एक साथ पूछने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया, ठीक है, एक काम करो, एक एक करके पूछो, सारे बता दूंगा, एक एक करके पूछना, ठीक है। तो फर्स्ट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वो मार्क करने के लिए आपके एज पर यू रूल्स क्या है? ओके, तो ये बस ये बस पहले बस हम बस ये मैं याला, अगर आपका क्वेश्चन हो गया तो मैं याला बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब, yes. देखो अब मेरे ख्याल से डेफिनेशन बताने की ज़्यादा जरूरत होगी नहीं, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब होता है किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू रखना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कभी भी ट्रेंड अगर कंटिन्यू चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देख लो AUD CAD में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे, क्योंकि ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, कोई भी प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो का ब्रेक करता है प्राइस, तो उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब जो करंट स्ट्रक्चर था हायर हाई हायर लोज वो ब्रेक होते जा रहे हैं। उसका अपोजिट होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब वहाँ ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है, नाम से बता दे रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कोई ट्रेंड अगर बुलिश चल रहा है, अगर ये प्रीवियस हमारा लो है, हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो वो हमारा बन जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा ट्रेड बनेगा। तो आपका डाउट ये है कि किस तरीके से जो हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं या आप कह सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, वो वैलिड किस किस टाइम पे होते हैं, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वैलिड का एक ही बेस्ट तरीका इसमें होता है, ठीक है, वो कि जो मैं कहता हूँ वो है कि कैंडल क्लोजर इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, कैंडल क्लोजर किसी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है अगर ऐसा कुछ है, ये देखो ऐसा कुछ, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, इस एरिया पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। बट अगर आप इसी लाइन को एक्सटेंड कर दोगे यहाँ तक, तो ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारे लिए बन जाता है। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए इंड्यूसमेंट देखना, ये सब बकवास है, इसको मत देखो, एक स्ट्रॉन्ग एक हेल्दी ट्रेंड देखो। कभी भी टू आवरली में आपको, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करना नहीं आ रहा है कि भाई याला मार्क करूँ, ये मार्क करूँ, ये मार्क करूँ, ठीक है, आपको नहीं आ रहा है मार्क करना, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल होता है, कभी भी टाइम फ्रेम, किसी टाइम फ्रेम में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसको टाइम फ्रेम को इंक्रीज़ करो, डिक्रीज़ मत करो। डिक्रीज़ में क्या होगा, कैंडल्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, और कैंडल्स की जो मतलब 10 कैंडल्स जो 20 हो जाएंगी, ठीक है, इंक्रीज़ करोगे टाइम फ्रेम को तो कैंडल्स कम हो जाएंगी। अब मैं यहीं पर 2 आवर को 4 आवर में करूँगा तो मुझे बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक चेंज ऑफ करेक्टर दिख रहा है, ये देखो, ठीक है, जस्ट आपको यही ट्रेंड में होकर समझाऊँ तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये ग्रैब है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर लो लगता है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, फिर लो लगता है, ठीक है। अब लो लगने जो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा था, मतलब प्रीवियस आपका वो जो हमारा लोअर हाई था, वो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। अब वो ब्रेक हो रहा है तो साफ सी बात यहाँ आती है कि चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर हमारा हो चुका है, तो उसके बाद हमको अब रिकरेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने हैं। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ये बनता है, अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इस एरिया पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन सकता है, बट 4 आवर में देखो तो थोड़ा सा रेंज बाउंड एरिया हो चुका है, रेंज बाउंड। तो क्या आप इतने बड़े भाई चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ तक का हाई लेके इसको छोड़ दोगे? नहीं, ठीक है, तो एक बार ट्राई करोगे आप कि आपको क्या पता इस एरिया पर कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, तो उसके लिए मैं एक बार दोबारा टाइम फ्रेम शिफ्ट करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि आखिर मेरे को यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ हेल्दी सा, ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको नहीं लेता हूँ मैं पूरा, इसको करंट ले लेता हूँ, इसको, ठीक है, इसको लो लेता हूँ, फिर इसको ले लेता हूँ, तो मैं अब क्या करूँगा, इस एरिया पर मार्क कर दूँगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, ये पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको 4 आवर में जाता हूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है, ठीक है, प्रॉपर बढ़िया लग रहा है, ठीक है, ये हाई लगा हमारा, ये लो लगा, ठीक है, और ये अब प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है इधर, ठीक है, इंड्यूसमेंट, ठीक है, अब वही, अरे ये तो वही ट्रेड है जो मतलब मैंने दी थी आपको यील्ड गेट पे, ठीक है, ये प्रॉपर कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि मैं कह सकूँ एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को इस ट्रेड में अभी नहीं मिला, ठीक है। और सेम अगर कोई और किसी और को स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, मान लो USDCHF, इसमें कोई सेटअप बना नहीं है अभी, तो इसमें देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है, इसमें देखो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, एक रेंज टाइप फॉर्म हो रही है, ठीक है, एक मिनट, मैं हाँ कहाँ था, मैं था इस वाले ट्रेंड को देख रहा था, USDCHF को, ठीक है, 4 आवरली थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है मेरे को, लग रहा है क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा मार्क करना टफ हो रहा है, डेली में चले जाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, कभी भी आपको स्ट्रक्चर मार्क करने में प्रॉब्लम आती है, टाइम फ्रेम को इंक्रीज़ करो, डिक्रीज़ कभी मत करो, ठीक है। अब देखो आपको ईजी लगेगा, ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिर से अगर देखूँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या दिखता है। अगर हमको क्लियर लग रहा है छोटे टाइम फ्रेम में तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो गौरव आवाज़ कट रहा है, आवाज़ कट रहा है, और किसी के लिए भी कट रहा है क्या? मैं अभी कहाँ था, मैं डेली से 4 आवरली में शिफ्ट हुआ था, ट्रेंड मार्क कर रहा था, ठीक है, 4 आवरली में चलते हैं। अब इसको देखते हैं कि जो डेली में मार्क किया था वो कुछ समझ में आ रहा है 4 आवर में या नहीं आ रहा है, ठीक है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा है, ठीक है, एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लेके चलेंगे, एक सॉरी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये लेके चलेंगे, एक हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लेके चलेंगे ये वाला। तो इस तरीके से कुछ मैंने ट्रेंड मार्क किया और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मार्क किए हमने इंक्रीज टाइम फ्रेम और डिक्रीज टाइम फ्रेम करके, ठीक है। वैलिडिटी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, एक प्रॉपर लो होना चाहिए उसका, ठीक है, और एक प्रॉपर मतलब इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मैं अगर समझा ये कोई देखो मज़ेदार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो इस तरीके रहने दो। एक हेल्दी एक स्ट्रॉन्ग जो क्लियर ट्रेंड है उसमें देखने का ट्राई करो, ठीक है। और कैंडल क्लोजर इंपॉर्टेंट है, कैंडल क्लोजर नहीं है तो वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट? ओके, यस, मैं तो पहले ये डाउट पूछा इसलिए था क्योंकि जैसे आपने बीच में कहा था कि ना कोई लोग कुछ कुछ लोग जो है वो फर्स्ट कैंडल्स पे भी इंड्यूसमेंट देखते हैं पर मार्किंग ब्रेकअप स्ट्रक्चर।
वो कंफ्यूजन हो रहा था नहीं आपके नहीं इसमें भाई थोड़ा सा देखो अलग ऑनेस्टली बताऊंगा, इतने समय से ट्रेडिंग कर रहा हूँ ठीक है, बट मेरे को था। इस चीज़ की कभी भी नीड नहीं लगी है, कभी भी 1% भी नीड नहीं लगी है। देखो ओके मार्केट में SMC आप अगर कर रहे हो तो हर बंदा एक ना एक नई चीज़ लेके आते रहेगा, साफ बता रहा हूँ, नई नई चीज़ें मार्केट में आते रहेंगी भाई। भाई देखो इंड्यूसमेंट जस्ट एक फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होता है, जब मैं सीखा था ना, साफ बता रहा हूँ, इंड्यूसमेंट वर्ड भी नहीं होता था, बट वो नया वर्ड आते रहे ठीक है मार्केट में। मेरे को ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक मतलब भी नहीं पता था, साफ बता रहा हूँ, मेरे को पता था रेंज क्रिएटेड सप्लाई और रेंज क्रिएटेड डिमांड, पिवट क्रिएटेड सप्लाई पिवट क्रिएटेड डिमांड, मैंने अपने कोर्स में भी यही एक्सप्लेन किया क्योंकि मुझे पता ही यही था ठीक है, कि नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, नए नए टेक्निक्स आते रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया मार्केट में लेके आना है। तो मेरे को उस चीज़ की जो आप बोल रहे हो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला, उसकी कोई नीड नहीं लगती है, नॉर्मली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करो, बस कहाँ से ट्रेड करना है वो पता होना चाहिए, किस लेवल से, बस बाकी कुछ भी नहीं है मार्केट में, ओके किस लेवल से ट्रेड करना है ये पता होना चाहिए। ओके ओके हाँ सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है दैट इज, अभी मान के चलो आप डेली चार्ट आपने खोला है ठीक है एंड वहां पे आपको ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक है ना जोन्स मार्क करने हैं, ठीक तो है उस समय क्या आप वहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर आप देखते हो, या यू सी की यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक सिंपली मिल रहा है विदाउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और विदाउट चेंज नहीं ऑफ नहीं देखो कैरेक्टर, देखो या ट्रेंड जब तो देखना हाई ब्रेक पड़ेगा, हो रहा है लो ब्रेक हो। देखो अगर मैं डेली भी मार्क कर रहा हूँ ना तो मेरे को ट्रेंड या ट्रेंड देखना पड़ेगा, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नहीं हो रहा है या मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चल रहा है देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ USD CHF ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं डिमांड सप्लाई नहीं देखूंगा सबसे पहले, मैं ये देखूंगा चल क्या रहा है मार्केट, इस चार्ट में चल क्या रहा है। अभी मेरे को यहाँ देखने को मिला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, ये एक हाई है यहाँ पे ठीक है, ये रिएक्शन दे सकता है, इस टाइप का कुछ चल रहा है, इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो मेरे को यहाँ पर कोई सप्लाई दिख रहा है ठीक है, ये एक सप्लाई दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो ये चीज़ें मैं देखूंगा कि आखिर ट्रेंड क्या चल रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर तो नहीं हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, सब देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ऑर्डर मतलब ब्लॉक मार्क कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई और चार्ट दिखाता हूँ, देखो AUD कैट था, थोड़ा सा मेरे को दिख रहा था कि रेंज बाउंड है, बट अगर साहब आपको देखने को यह भी मिल रहा है कि प्रॉपर एक लिक्विडिटी लेके, ये प्रॉपर एक लिक्विडिटी लेके दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रहा है ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ से बुलिश सिग्नल मिल रहा है, तो इसके बाद मैं ट्राई करूँगा ऑर्डर ब्लॉक देखने का ठीक है। इस तरीके से पहले मुझे ट्रेंड देखना है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हो रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है चार्ट पर वो देखना है, उसके बाद आती है ऑर्डर ब्लॉक मार्क। ये कभी नहीं करना कि ऑर्डर ब्लॉक पहले मार्क कर लिया कि पता लगे आप डिमांड मार्क कर रहे हो, मार्केट बेयरिश चल रहा है या रेंज बाउंड चल रहा है ठीक है, तो ट्रेंड देखो उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो। हाँ और थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, जैसे मैंने वो गोल्ड का आपने एक डाला था रिसेंटली ट्रेड ट्रेड कंटिन्यूशन वाला हाँ लास्ट बिल्कुल वीक बिल्कुल, या गोल्ड में अभी इसी भी मैं वीक में, रेडी हूँ अगर कोई हाँ वो अपॉर्चुनिटी तो वो मिलती है। ट्रेड, हाँ ओके हाँ मैं बोल रहा हूँ वो आप कैसे मार्क करते हो, जैसे हायर टाइम फ्रेम के पे मान के चलो आपको कोई देखो ट्रेड आपको मिला है एंड ओके लोअर में आपको वो बोलते हैं ना पिरामिडिंग बोलते हैं या जो उसी में ट्रेड करना, वो कैसे आप उसको उसका क्राइटेरिया क्या है, व्हाट एक डू यू मैं, मेरे को सी। गोल्ड का चार्ट याद नहीं है कि मैंने क्या भेजा था, तो मेरे को देखने दो, 30 मिनट्स का कुछ तो था वो। गोल्ड री एंट्री थी ये ठीक है, ये हमारे 30 मिनट्स ठीक है, ये वाला आपने बोला, शायद ये मेरे को इसका हायर टाइम फ्रेम भी देखना है, लेकिन शायद हाँ 2 आवर स्कोप था मेरा ठीक है, याद आ गया, तो गोल्ड में मेरा टू आवर क्वेश्चन उस स्कोप पे था ये था मेरा। कि आप अगर ट्रेड कंटिन्यूएशन ये सेटअप जो है आप बहुत बार डालते हो, मैंने बहुत टाइम से देख रहा हूँ, तो उसको आप मार्क कैसे करते हो, अगर हायर टाइम फ्रेम कोई ट्रेड है तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप उसको कैसे ये करते हो, आइडेंटिफाई नहीं करते हो, देखो मैं क्या आपको वहां पर आप तरीका चीजें बताता हूँ देखते कि हो। किस तरीके से मैं देखो मेरा इंडियन मार्केट्स और फॉरेक्स का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, पहले बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा इंडियन मार्केट्स में वो सेम है, जोन कैसे मार्क करना है, इंड्यूसमेंट हर चीज़ एनालिसिस पूरा सेम, डिफरेंट क्या है टाइम फ्रेम्स, बहुत टाइम फ्रेम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडियन मार्केट और फॉरेक्स में, जिस तरीके मैं ट्रेड करता हूँ इंडियन मार्केट्स में बहुत छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड करता हूँ, इंडियन मार्केट में 3 मिनट 5 मिनट 1 मिनट, फॉरेक्स में कभी यहाँ तक गया ही नहीं, 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट में कभी गया ही नहीं ठीक है, मैं बहुत हायर टाइम फ्रेम में रहता हूँ, क्योंकि देखो मेरे को मज़ा ट्रेंड चलाने में आता है, एक तरीके से ट्रेंड के संग चलने हैं, मैं 20 30 पिप की ट्रेड से खुश हो ही नहीं पाता हूँ, मेरी मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है ठीक है, मेरे को कहीं 20 मिल रही है, 1:8 भी मिल गया मुझे पर 20 पिप भी मिले हैं, तो मुझे मज़ा नहीं आता है ट्रेड में ठीक है,
तो ये मेंटेलिटी वजह से ना बहुत लॉस किया था छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट 5 मिनट में, क्योंकि मेरी, मेरे को नहीं पता ये कैसे है, बट मेरी होल्डिंग कैपेसिटी कुछ ज़्यादा ही है। कभी मैं सोचता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, पर मैं कहता हूँ भाई मैं ओवर होल्ड कर दे रहा हूँ हर चीज़ को। मेरी होल्डिंग कैपेसिटी कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। ये AUD कैट की ट्रेड थी भाई, मैं एग्जिट ही नहीं कर पा रहा था, मन ही नहीं था एग्जिट करने का। ये यहाँ पर वीकेंड आ गया तो मेरे को एग्जिट करना पड़ता, वरना पता नहीं भाई मैं कब तक एग्जिट करता है इसको। ठीक है, ये मेरी एक कहूँगा उतनी अच्छी आदत भी नहीं है, और उतनी कभी कभी फ़ायदा भी हो जाता है। जैसे AUD कैट में फ़ायदा हो गया, बहुत ट्रेड से फ़ायदा भी हो जाता है, बट एक आदत है। जैसे गोल्ड में, गोल्ड में अच्छा प्रॉफिट लेने के बाद भी मैंने ट्रेलिंग SL खाया, क्योंकि वही थी होल्ड की आदत थी, बल्कि मेरे को इसमें बहुत अच्छा रिटर्न होता है भाई। गोल्ड में अगर मैं बताऊँ तो मैं भाई 2% का रिटर्न, आपको ही पता है कितना बढ़िया रिटर्न है गोल्ड में। ठीक है, बहुत बढ़िया रिटर्न है, बट वही होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से मैं इसको ट्रेलिंग SL लिया था, पर अच्छा रिटर्न था इसमें भी। ठीक है, किस तरीके से ट्रेड किया मैं समझाता हूँ, और किस तरीके से मैं कंटिन्यूएशन मार्क किया वो ही बताता हूँ आपको। ठीक, एक मिनट मेरे को पहले देखने दो। हाँ, मैंने इस विक से लिया था, डेली की विक से। ठीक है, डेली की जो विक बनी है, एक मिनट एक मिनट, ये कुछ विक थी, इस विक से मैंने ट्रेड किया था गोल्ड पे। ये विक पे आया था प्राइस, ठीक है, अच्छी विक है, आपको देखने से ही लग जाएगी। ठीक है, गोल्ड को अगर आप एनालिसिस करोगे यही पे, तो अनमिटिगेटेड क्वेश्चन है। हाँ गौरव भाई, ये पे एक क्वेश्चन है, ये जो अभी वीक मार्क किया आपने ना, यहाँ पर कोई तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो ये कैसे मार्क किया आपने, ये जो डेली नहीं पे वीक आपने देखो, किया? मैंने ये किस तरीके से मार्क किया ये देखना आप। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इतना बड़ा ट्रेंड, कितना परसेंट अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये शायद 10 या 20% होगा, या उससे ऊपर ही ना हो। ठीक है, हाँ 10%, ठीक है, 10% का उसके बाद डाउन मूव आना और इस जोन पे एंट्री देना, गोल्ड के लिए आपको ये पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने टाइम फ्रेम को शिफ्ट किया था 4 आवर पे। मैंने देखा था कहीं मेरे को लिक्विडिटी ग्रैब या कुछ देखने को मिल रहा है या नहीं दिख रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे है, थोड़े ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इस तरीके से। तो मैं डेली की विक पे गया और अनमिटिगेटेड ढूंढने का ट्राई किया। अगर आप पूरे ट्रेंड को देखोगे तो आपको इस विक के अलावा कहीं पर भी जोन नहीं दिखेगा या विक नहीं दिखेगी जो कि ट्रेड हो सके। देखो, कोई भी नहीं दिखेगी इस विक के अलावा, क्योंकि एक प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब विक है, ठीक है, और जिसमें स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है, ठीक है, एक ऐसी विक। तो ये एक ट्रेडेबल विक मुझे लग रही थी, जहाँ से मैंने क्या किया, छोटे टाइम फ्रेम में गया, और गोल्ड में डायरेक्ट तो मैं गया नहीं, तो इजी इजी ट्रेड थी। इसने कुछ और भी गड़बड़ थी शायद, हाँ, ये मैं तभी तो कह रहा हूँ मेरे इस जोन में कुछ अलग था। ये देखो, इस जोन में अगर आप देखोगे तो पहले टैप किया, उसके बाद ग्रैब किया, वो बताऊँ कैसे किया, वो इस कैंडल को मैंने मार्क किया था, ब्लैक वाली को फुल, क्योंकि ब्लैक कैंडल 2 आवर के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी लग रही थी। ऑन कन्फर्मेशन कभी मुझे ट्रेड में जाना होता है तो मैं इस चीज़ के छोटे छोटे रिस्क नहीं लेता हूँ। जब मुझे इस ट्रेड में, इस जोन में कन्फर्मेशन पर ही जाना है तो मैं इस ट्रेड जोन को भी ट्रेड करना पसंद करूँगा, बड़े बड़ा वो लगा के, ठीक है, थोड़ा सा जोन बड़ा हो जाएगा बट मुझे कन्फर्मेशन मिल जाएगी। सेम वो यहाँ पर होता है, ठीक है, टैप करता है, टैप करने के बाद पूरी प्रॉपर एक तरीके से बताऊँ तो ये ग्रैब कर लेता है लिक्विडिटी को, ठीक है, लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है। ग्रैब के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये वाले एरिया से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल गया, परफेक्ट स्कोप का एग्जांपल मुझे यहाँ देखने को मिल जाता है। एंट्री ट्रिगर होती है, अब एंट्री ट्रिगर होती है भाई, इतना ये वाले हाई तक मेरे को टारगेट मिल जाता है तो ट्रेल तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्टॉप लॉस यही लगा के तो हम नहीं बैठ सकते। ठीक है, गोल 30 मिनट पर गया मैं, ओके, यहाँ पर से टैप होती है एंट्री। उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो प्रॉपर एक ये जो न्यूज़ हाई है उसका ब्रेक होता है, ठीक है, उसका ब्रेक होता है, कहीं ना कहीं ट्रेलिंग एसएल चाहिए था, ठीक है, प्रॉपर एक तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है इस जोन पे, ठीक है, तो ये मैं ऐसा ग्रैब जोन बना लेता हूँ, मतलब ऐसा जोन बना लेता हूँ बस, बाकी इसमें कुछ एनालिसिस नहीं था। एनालिसिस जो था वो इस बड़े टाइम फ्रेम पर था, ठीक है, इस टाइम फ्रेम पर कोई इतना एनालिसिस नहीं था, बस मैं एग्रेसिव ट्रेलिंग का ट्राई किया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को स्टॉप लॉस शिफ्ट करना ही था, ठीक है, तो यही था बस, और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस गया था इस एरिया पे। ओके, हाँ, और कोई डाउट? एक मिनट, वो चार्ट शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप, दिख रहा है मुझे भाई, क्या ये जोन है व्हाट्सएप पे शेयर किया था, ठीक है, ये तो कोई जोन ही नहीं है। हाँ, इसका तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है,
भाई देखो, ये इस टाइप के कोई जोन ही नहीं होते, ये क्या बोलूँ मैं, ये तो कुछ जोन ही नहीं है। यूरो एसडी 4 आवर अपने उसमें देख लेते हैं एक बार, और क्या करेंगे। ये मार्क किया है ना आपने इस एरिया पे कुछ, या कहीं और था वो, या ये था ऊपर वाला, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला। वाला, हाँ ठीक है, हाँ ये डेली का है। हाँ याद आ गया मेरे को, ये डेली का विग जोन है, डेली का विग जोन था। भाई देखो एक चीज़ ध्यान बताना, ठीक है, ये वाला डेली का जोन है आपका, ये वाला। कभी भी आप टाइम फ्री जोन शेयर करते हो तो आप इस तरीके से मत करो, ठीक है। आपने ये मेरे ख्याल से डेली में मार्क किया था, ये मार्क किया था ना आपने। हेलो, हेलो। हाँ आपने ये मार्क किया था मेरे ख्याल से डेली में, जी ये भाई, कहीं। जी तो जी हमेशा यही जोन शेयर करना, यही जोन को करना 4 आवर में। देखो ना भाई, देखो इतना बकवास दिख रहा है ये, तभी मैंने आपसे कहा था ये जोन खराब है, लेकिन अगर डेली में देखो तो परफेक्ट है। ट्रेड करो इसको, ट्रेड करना है इस वाले जोन को, मैं खुद ट्रेड करूंगा इस जोन को, ऑन कन्फर्मेशन ट्रेड करो इस जोन में, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस तरीके से आपने शेयर किया था ना 4 आवर में, भाई ये तो कुछ जोन ही नहीं है, इतना जूम करके 4 आवर कैंडल, ये तो डेली का जोन था, ठीक है। तो मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हो गया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ो, ये डेली का जोन है, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई मैंने भी किया था, रिफाइन हो नहीं रहा है ये, ठीक है। तो इसको डेली जोन तक छोड़ो, ट्राई करना कन्फर्मेशन मिल जाए, स्कॉब एंट्री मिल जाए इधर से, ठीक है। और बाकी इसको भी छोड़ो। भाई, XAU USD का देख लेते। अभी हाँ बताओ कौन सा था। मैंने व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे शेयर किया, मुझे तो नहीं दिखा यार। चार्ट शेयर किया अच्छा अच्छा ठीक XAU USD है। का। ये डेली का इतना नीचे, छोड़ो, यहाँ कहीं जोन है आपका यार, ये जोन को छोड़ दो भाई। मैं बस इतना बताता हूँ जोन सही है या नहीं है, बाकी यहाँ प्राइस कब आएगा क्या नहीं कुछ बता नहीं सकता ये आपका। गौर भाई, डेली में GBP JPY एक बार चेक कर लो। ये वाला जोन है आपका, तो ये बेटर है, बहुत अच्छा जोन है। अगर आपने ये मार्क किया है तो ये कैंडल अच्छा जोन है, ठीक है। बट प्राइस कब आएगा यहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता, बहुत टाइम लग जाए भाई, आएगा नहीं भी आ सकता है कभी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मीटिंग को भी एंड करता हूँ, ठीक है।